परमेश्वर का हुक्म आदम के लिए बाइबल की तस्वीर ये मार्मिक भी है, दिल को भी छूती है। हालांकि सिर्फ परमेश्वर और इंसान है तस्वीर में, मगर कितना अंतरंग रिश्ता है दोनों में। हैरानी भी होती है हमें, अनुराग भी जागता है दिल में। परमेश्वर का लबालब प्यार मिलता है इंसान को उदारता से। उसके आस पास ही है प्यार परमेश्वर का। मासूम निर्मल किसी भी बंधन से बेफिक्र इंसान रहता है आनंदित परमेश्वर की नजर में। परमेश्वर करता है परवाह इंसान की, रहता है इंसान परमेश्वर की देख रेख में। इंसान के काम सारे उसके वचन और कर्म सारे बने हैं परमेश्वर से जो अलग हो नहीं सकते। जिस पल बनाया इंसान को परमेश्वर ने, उस पल से ली है जिम्मेदारी इंसान की परमेश्वर ने। किस तरह की है जिम्मेदारी है? उसी को हिफाजत करनी है इंसान की, उसी को नजर रखनी है इंसान पर। वो चाहता है इंसान यकीन करे उसके वचनों पर उनका पालन करे। यही वो पहली चीज थी जो चाहता था परमेश्वर इंसान से, यही पहली उम्मीद ली
परमेश्वर ने बोले ये वचन। तू खा सकता है बाग के दरख्तों के सारे फल, देखो मगर तू ना खाना भले बुरे के ज्ञान के दरख्त के फल, क्योंकि उस दिन गवाह बैठेगा तू जान अपनी, जिस दिन तू दिखाए उस दरख्त के फल। परमेश्वर की इच्छा को जाहिर करते ये मामूली वचन, दिखलाते हैं उसके दिल में पहले ही फिक्र थी इंसान की। देखते हैं इन मामूली वचनों में हम क्या है दिल में परमेश्वर के, क्या प्यार है उसके दिल में, क्या परवाह और चिंता नहीं है वहां। महसूस किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है परमेश्वर के प्यार और परवाह को, गर जमीर और इंसानियत है तेरे अंदर। तो महसूस करेगा इसने परवाह और प्यार परमेश्वर का, तू महसूस करेगा खुशी से धन्य खुद को तू, जब महसूस करेगा इन चीजों को तो कैसे पेश आएगा परमेश्वर से तू, क्या जुदा हो जाएगा उससे तू। क्या भक्ति में प्यार नहीं उपजेगा तेरे दिल में, क्या कशिश होगी उसके लिए तेरे दिल में। देखते हैं हम इससे कितना अहम है प्यार परमेश्वर का इंसान के लिए, मगर उससे भी ज्यादा अहम है परमेश्वर
का प्यार इंसान महसूस कर पाए, इंसान समझ पाए।